चलो विद्यार्थी मित्रों, आज आप मॉडल ऑक्सिलरीज नो चौथो शब्द शीखीशु कूड। कूड बन्ने स्वरूपों में वपराय। आनी पहला अपने केन, मे अने शुड शीखी गया था, जेमा केन अने मे ए मात्र सादा स्वरूप में वपराय, त्यारे शुड बन्ने स्वरूपों में वपराय। तेवी ज रीते कूड पण बन्ने स्वरूपों में वपराय, सादा स्वरूप में अने पूर्ण स्वरूप में। तो सौ प्रथम अपने सादा स्वरूप में कूड नो उपयोग लईए। शक्ति अने सामर्थ्य दर्शावा माटे कूड वपराय, विनंती दर्शावा माटे कूड वपराय। तो सादा स्वरूप में कूड ना बे उपयोग आवशे। पहलो उपयोग शक्ति अने सामर्थ्य दर्शावा, बीजो उपयोग विनंती दर्शावा, अने पूर्ण स्वरूप में कूड नो एक ज उपयोग आवशे, शक्ति अने सामर्थ्य दर्शावा। मित्रों, शक्ति के सामर्थ्य एने इंग्लिश में कहेवाय छे एबिलिटी। एमाय कूड ए केन नो भूतकाळ छे, एटले आपणे एवुं कहेशुं के एबिलिटी इन ध पास्ट। चलो आगळ वधीए। हवे आ उपयोग दर्शावता आपणे थोड़ाक वाक्यो जोईए। पहेलो वाक्य, मीना 100 पाणीपुरी खाई शकी। आनो अर्थ एवो थाय छे के मीना पासे 100 पाणीपुरी खावानी शक्ति हती। मीना पासे 100 पाणीपुरी खावानुं सामर्थ्य हतुं, पण क्यारे? भूतकाळमां। हालमां नहीं, कारण के कूड ए केननुं भूतकाळ छे। चलो बीजू, अस्मा मने मदद करी शकी। अस्मा मने मदद करी शकी, એટલે આ વાક્ય શું કહેવા માંગે છે કે અસ્મા પાસે મને મદદ કરવાની શક્તિ હતી, અસ્મા પાસે મને મદદ કરવાનું સામર્થ્ય હતું। આગળ, ક્યારે? ભૂતકાળમાં। હાલમાં અસ્મા મને મદદ કરી શકે તેમ નથી। તો મિત્રો, આ પહેલા બંને વાક્ય શક્તિ અને સામર્થ્ય દર્શાવતા વાક્ય છે, ત્રીજું વાક્ય વિનંતી દર્શાવતું છે। एक व्यक्ति बीजी व्यक्ति ने विनंती करे छे के तमे मने पानी नो एक ग्लास आपसो, तमे मने पानी नो एक ग्लास आपसो, अभी विनंती करे छे। तो विनंती दर्शावता वाक्य मां पण कूड आवे, पण मित्रों विनंती दर्शावतु आ वाक्य हमेशा प्रश्नार्थ ज होय, अने प्रश्नार्थ होय एटले एनी शुरुआत सहायकारक क्रियापद कूड थी थाय। आगळ वधीए तो सादा स्वरूप में कूडना बे उपयोग आव्या। पहलो उपयोग शक्ति अने सामर्थ्य दर्शावा, बीजो उपयोग विनंती दर्शावा माटे। हवे पूर्ण स्वरूप, पूर्ण स्वरूप में एक ज उपयोग आवशे, शक्ति के सामर्थ्य दर्शावा माटे। जो मीना 100 पाणीपुरी, मीना 100 पाणीपुरी खाई शकी होत, पण एवुं क्यूं कारण आवी गयुं के ते खाई शकी नहीं? तेने पूरतो समय आपवामां आव्यो नहीं एटले न खाई शकी। मीना पासे 100 पाणीपुरी खावानुं सामर्थ्य हतुं, पण तेने पूरो समय आपवामां आव्यो नहीं। એટલે આ વાક્ય શક્તિ અને સામર્થ્ય દર્શાવતું થયું। બીજું, અસ્મા મને મદદ કરી શકી હોત, અસ્મા કુડ હેવ હેલ્પ્ડ મી, અસ્મા મને મદદ કરી શકી હોત, પણ એવું કયું કારણ આવી ગયું કે અસ્મા મને મદદ કરી શકી નહીં? તો કે શી વોઝ આઉટ ઓફ ટાઉન, તેણી નગરની બહાર હતી એટલે તેણી મને મદદ કરી શકી નહીં। અસ્મા પાસે મને મદદ કરવાની શક્તિ હતી, અસ્મા પાસે મને મદદ કરવાનું સામર્થ્ય હતું, પણ તેણી નગરની બહાર હતી એટલે એ મને મદદ કરી શકી નહીં। તો આ બંને વાક્યો શક્તિ અને સામર્થ્ય દર્શાવતા વાક્યો છે। આગળ વધીએ।
सादा स्वरूप में कूड नु गुजराती करो, सादा स्वरूप में क्रियापद नु गुजराती करो, एटले छेले सक्यो सकी सक्या एवं बोलाय, अने पूर्ण स्वरूप में क्रियापद नु गुजराती करो त्यारे सक्यो होत सकी होत सक्या होत आवा शब्द बोलाय। तो खबर केम पड़े के क्यों वाक्य सादा स्वरूप नु छे, क्यों वाक्य पूर्ण स्वरूप नु छे? क्रियापद ऊपर थी खबर पड़े। सादा स्वरूप में क्रियापद आ रीते आवे, कूड अने साथे क्रियापद नु मूल रूप, कूड अने साथे क्रियापद नु मूल रूप, कूड अने साथे क्रियापद नु मूल रूप केव, अने पूर्ण स्वरूप में क्रियापद कई रीते होय? कूड हेव अने भूतकृदन, कूड हेव अने भूतकृदन। पूर्ण स्वरूप में क्रियापदना त्रण स्टेप आवे, अने सादा स्वरूप में क्रियापदना बे ज स्टेप आवे। आ बे वच्चेनो फरक मित्रों जोई लियो के प्रथम बन्ने वाक्यों बन्ने मा एक सरखा छे, बन्ने वाक्यनो कर्ता मीना, बन्ने वाक्यनु कर्म 100 पाणीपुरी, पण बन्ने वाक्यनु क्रियापद अलग छे। सादा स्वरूप में क्रियापद छे कूड ईट, पूर्ण स्वरूप में क्रियापद छे कूड हेव ईटन। बस आज फरक छे बे वच्चेनो, मात्र क्रियापद नो। क्रियापद ऊपर थी ज ओळखाई जाय के वाक्य सादा स्वरूप नु छे के पूर्ण स्वरूप नु। आगळ वधीए, जो सादा स्वरूप नु वाक्य होय तो क्रियापद नु गुजराती करती वक्ते छेले सकियो सकिया सकी एवं बोलाय, अने पूर्ण स्वरूप नु क्रियापद नु गुजराती करती वक्ते सकियो होत सकी होत सकिया होत एवं बोलाय। लखी सकियो एनो इंग्लिश थाय कूड ईट, सॉरी कूड राइट, अने लखी सकियो होत एटले कूड हेव रिटन। दौड़ी सकिया एटले कूड रन, दौड़ी सकिया होत कूड हेव रन। रन नु भूतकृदंत पण रन ज थाय। वाची सकी कूड रीड, वाची सकी होत कूड हेव अने रीड नु भूतकृदंत रेड। आगर मित्रों एक नोंध लखो के कोई कारणोसर, कोई कारणोसर घटना घटी सकी नहीं, कोई कारणोसर घटना घटी सकी नहीं, बनाव बनी सकियो नहीं, बनाव बनी सकियो नहीं, तेवु दर्शावा कूड नु पूर्ण स्वरूप वपराय छे। तेवु दर्शावा कूड नु पूर्ण स्वरूप वपराय छे। एक बीजी नोंध तमारा चोपड़ा मां लखजो के विनंती दर्शावतु वाक्य, विनंती दर्शावतु वाक्य हमेशा प्रश्नार्थ ज होय, विनंती दर्शावतु वाक्य हमेशा प्रश्नार्थ ज होय। तेथी आ वाक्यनी शुरुआत, तेथी आ वाक्यनी शुरुआत कूड थी थाय छे, तेथी आ वाक्यनी शुरुआत कूड थी थाय छे। आदर वधीए, आखी वाक्य रचना लईए। करता मीना, क्रियापद सादा स्वरूप में बे भाग में कूड ईट, कर्म 100 पाणीपुरी, अन्य शब्दों नथी। करता अश्मा, क्रियापद सादा स्वरूप में बे स्टेप में कूड हेल्प, कर्म मी, अन्य शब्दों नथी। त्रीजो वाक्य करता यो, पर प्रश्नार्थ वाक्य में करता नु स्थान पहलू न होय, सहायकारक क्रियापद नी पाछड़ होय,
કરતા યુ, ક્રિયાપદ કુડ ગીવ, કર્મ મી, બીજું કર્મ ગ્લાસ ઓફ વોટર, અન્ય શબ્દો નથી. એવી જ રીતે અહીંયા સાધુ સ્વરૂપ હોય કે પૂર્ણ સ્વરૂપ, વાક્ય રચના એક જ આવે, કર્તા, ક્રિયાપદ, કર્મ, અન્ય શબ્દો. માત્ર જે તફાવત જોવા મળે, એક તફાવત ખાલી ક્રિયાપદ નો હોય. તો મિત્રો અહીંયા આપણે કુડ પૂર્ણ કરીએ.